वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखते हैं मध्य पाषाणकाल, ठीक है, पूरा पाषाणकाल हो गया, अब आपका मध्य पाषाणकाल देखते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, मीसोज माने मध्य, पाषाण माने लिथोज, ठीक है। इसको इसकी जानकारी, मध्य पाषाणकाल की जानकारी भारत में सर्वप्रथम जब सीएल कालाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण की खोज की थी, ठीक है, तब से इसकी भारत में जानकारी मध्य पाषाणकाल की हुई। और भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाणकाल के ही प्राप्त होने लगते हैं, ठीक है। मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाणकाल के, सूक्ष्मास्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है, ठीक है। मध्य पाषाणकाल को संक्रमण काल माना जाता है, ठीक। गुजरात के लंघनाज से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, ठीक। आगे देखा जाए, महदहा से ही मृंग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। दमदमा में 41 मानव सावधान मिले हैं, ठीक है। दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक मध्य पाषाण स्थल है और सराय नाहर से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, ठीक है, सराय नाहर में। प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं दमदमा से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मध्य पाषाणकाल, इसमें जो जो लोकेशन है और कहाँ से क्या क्या मिला है इसकी लिस्ट आप लोग जरूर बना के रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑप्शन दे के, ठीक है। वो बिल्कुल कन्फ्यूज कर देंगे आपको, दमदमा सराय नाहर, ठीक है, इन सब में, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा इसको। तो पशुपालन की शुरुआत जो है मध्य पाषाणकाल में हुई थी। पशुपालन की साक्ष्य की पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। इसके साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। रायसेन जिले में भीमपेट का प्रागैतिहासिक किला का चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक। मदहा पट्टी प्रतापगढ़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से पशुवध बूचड़खाना के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बूचड़खाना यानी पशुवध स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मदहा से। आगे बढ़ते हैं,